Press the bell icon of the ePathshala channel and never miss another update. So guys, this is your Vijay here और बहुत बहुत स्वागत है आपका ई पाठशाला के चैनल पे। हम चैप्टर 12 कर रहे हैं, क्लास 12 की हिस्ट्री जो है उसमें हम चैप्टर 12 पे आ चुके हैं और चैप्टर 12 पूरी तरीके से हमें बता रहा है कॉलोनियल सिटीज़ के बारे में, यानी कि उपनिवेशित शहर के बारे में। इससे पहले हमने वीडियो का पहला पार्ट डाल दिया है, ये वीडियो का सेकेंड पार्ट है। हम इस चैप्टर के अंदर मद्रास, कोलकाता और उसके बाद मुंबई से रिलेटेड जितने भी इलाके हैं उनके अंदर जो अर्बनाइजेशन हो रहा है, प्लानिंग्स बन रही हैं, आर्किटेक्चरल फॉर्म्स हो रहे हैं, वो पूरा का पूरा इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये हिस्ट्री स्टार्ट हो रही है जिस टाइम पीरियड पे 1858 की क्रांति हुई थी, उस टाइम पीरियड के बाद कैसे भारत के अंदर 1947 से पहले का जो टाइम पीरियड था उसके अंदर जो उपनिवेशित शहर थे उनमें जो बदलाव आए थे वो देखने की हम कोशिश कर रहे हैं। उपनिवेशित शहर थे हमारे, मैंने आपको बता दिया, मुंबई मद्रास एंड कोलकाता। अब यहाँ पे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं वीडियो में। बैटल ऑफ प्लासी जिस समय हुआ था 1757 के बाद, उसके बाद की ये हिस्ट्री पूरी तरीके से आपको बताने की कोशिश करती है। अब जिस समय पे ब्रिटिशर्स थे तो फाइंडिंग अबाउट द कॉलोनियल सिटीज़, यानी कि उपनिवेशित शहर के बारे में पता लगाना। सो कैप्टन रसल जैसे जितने भी उस समय ब्रिटिशर्स होते थे, व्हाई डिड ब्रिटिशर्स कीप रिकॉर्ड, उस टाइम पीरियड पे ब्रिटिशर जो थे रिकॉर्ड्स क्यों रखते थे। तो सबसे बड़ा रीज़न था शहरी इतिहास के बारे में जानना। अंग्रेज़ों ने अपने उपनिवेशित मामले विस्तृत रिकॉर्ड बनाए, उन्होंने नियमित सर्वेक्षण करे, स्टैटिक्स आंकड़े जो थे उनके ऊपर डेटास को इकट्ठा करा और बहुत सारे रिपोर्टों को छापा, पब्लिश करा। इसका मेन मकसद यही होता था कि जैसे जैसे शहर बढ़ रहे हैं, उनकी गतिविधियां बढ़ रही है, उनकी दिशाओं पर, उनकी उनके कामकाज पर नियमित रूप से वो लोग फोकस कर सके, दैट इज़ वाई पूरी तरीके से हर चीज़ का ये लोग रिकॉर्ड रखते थे। रिकॉर्ड रखने का सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका था मैपिंग रिकॉर्ड। मैपिंग रिकॉर्ड सबसे पहले आरंभिक समय में स्टार्ट हुआ था और उपनिवेश सरकार ने मानचित्रण तैयार करने के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। सरकार का मानना था कि किसी भी जगह की बनावट या उसके भूदृश्य को समझने के लिए हमें नक्शे की ज़रूरत पड़ती है ना। अगर मैं कहूँ कि शुरुआती समय में उपनिवेशित काल जिस समय मुंबई का अगर मैं एग्जांपल लूँ, तो मुंबई का इलाका कहाँ से लेके कितना इलाका कैसा है, कहाँ पे ट्रेन जा रही है, कहाँ पे नहर है, किस इलाके में कौन सी जनसंख्या रहती है, उन सभी चीज़ों को समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड नेसेसरी इंपॉर्टेंट लैंडस्केप, नो द ट्रोपोग्राफी इज़ सो इम्पॉर्टेंट। यानी कि अगर हमें उस चीज़ की नॉलेज होगी, उस चीज़ के बारे में पता होगा कि उसकी ज़मीन कैसी है, वहाँ पर किस प्रकार की मिट्टी है, किस प्रकार का जलवायु है, किस प्रकार के लोग रहते हैं, तो शायद से उन इलाकों के अंदर हम बेहतर तरीके से उन इलाकों पर नियंत्रण कर पाएंगे और ज़्यादा अच्छी तरीके से बहुत कम समय के अंदर वहाँ पर डेवलप कर पाएंगे। जब शहर की जनसंख्या बढ़ती है तो उसके विकास के ऊपर भी फोकस करना पड़ता है, योजनाएं बनानी पड़ती है, और वो सब कैसे पता चलेंगी, वो सब पता चलेंगी हमें मैपिंग के थ्रू, ठीक है। तो इसीलिए होता कहता है शहरों के अंदर जब नक्शे बनाए जाते हैं तो वहाँ पे कितनी पहाड़ियाँ हैं, कितने नहर है, कितने वनस्पति स्थान हैं, किन किन चीज़ों की हमें रक्षा करनी है, सभी चीज़ों की एक इम्पॉर्टेंट जानकारी जो है हमें प्रोवाइड करवाता है, हमें बताता है कि घाट कितने हैं, घनत्व कितना है, घरों की गुणवत्ता या घरों की संख्या कितनी है, सड़कें जो है किस क्वालिटी में, किस तरीके से, किस अलाइनमेंट में कट रही है ना। हमें देखना पड़ता है कि टैक्सेशन जो है उसकी स्ट्रैटेजी हमें क्या करनी पड़ेगी, जहाँ से हमें टैक्स मिल सकता है, जहाँ से हमें पैसा कमाने का अवसर मिल सकता है, वो सारी की सारी सिचुएशन उस समय पे अंग्रेज़ों के द्वारा चलाई जा रही थी और पूरा फोकस करा जा रहा था कि जो टैक्स है उसकी रणनीति को अच्छा बनाया जा सके, जिसके शहर को डेवलप करने में उनकी मदद हो उनकी, है ना। तो कोस्टल लाइन का सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ायदा, आई होप आप समझ गए होंगे, यहाँ से व्यापार स्टार्ट हो रहा है और जितने इलाके ये लोग कैप्चर करते जा रहे हैं उतने इलाकों के अंदर इन्होंने वेल स्ट्रक्चरिंग मैपिंग तरीके से यहाँ पे हर चीज़ के आंकड़े को रखने की कोशिश करी।
तो फाइनली सबसे पहले नगर निगम का रिकॉर्ड इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता था, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन रिपोर्ट। फॉर एग्जांपल के लिए आपको पता है कि हर जगह पे म्यूनसिपैलिटी होती है, वहाँ पे बोर्ड्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, उसके नीचे जो काउंसलर होते हैं हमारे, वो हमारे इलाके के अंदर जितनी छोटी मोटी सुविधाएं होती है उस पर फोकस करते हैं। तो 19वीं सेंचुरी के अंदर आते आते आखिरकार जो अंग्रेज़ थे उन्होंने वार्षिक नगर पालिका कर वसूलने के लिए शहरी जनसंख्या के रख रखाव से पैसे इकट्ठा करने की कोशिश करी। मतलब 19वीं सेंचुरी के मिड में अगर लेट में अगर हम देखें तो 19वीं सेंचुरी के लेट में अगर हम देखें तो अंग्रेज़ों ने नगर पालिका बना दी। नगर पालिका इन द सेंस एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट बना दिया, जिसे म्यूनसिपल बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। तो नगर पालिका जो है वो टैक्स इकट्ठा करेगी साल का, और वो किनको देगी, वो देगी अंग्रेज़ों को। क्यों देगी? क्योंकि शहरों के प्रशासन के अंदर धन जुटाने का सबसे बेटर तरीका जो था वो यही था। अब यहाँ पे नगर पालिका फ्री में किसी व्यक्ति से कोई पैसा नहीं लेगी, सिंपल सी बात है। नगर पालिका जो है वहाँ पे एक ऑफिशियल बेस पे एक महकमा होगा, एक डिपार्टमेंट होगा जो पैसे तो इकट्ठा करेगा लेकिन बहुत सी उसकी जिम्मेदारियाँ भी होगी, उस पर लाइसेंस होगा। अब जिम्मेदारी क्या होगी? वो जल आपूर्ति करेगा, वो सीवरेज की प्रॉब्लम देखेगा, सड़क निर्माण, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, मतलब आवश्यकता पड़ने के लिए नगर निगम इन सभी चीज़ों के ऊपर फोकस करेगा। इसके लिए अलग अलग संस्थाओं की उस समय पर स्थापना करी गई ताकि लोगों के इन हेल्थ केयर पे, सड़कों के निर्माण पे, जल आपूर्ति पे, जैसे आज भी आप देखते हैं आप सभी के इलाकों के अंदर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है। तो अगर आपके इलाकों के अंदर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है तो प्लीज़ आप ज़रूर देखिएगा, अगर आपके इलाके में कोई पानी की प्रॉब्लम है, अगर आपके इलाके के अंदर कोई लाइट की प्रॉब्लम है, सीवरेज की प्रॉब्लम है, तो आप म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं क्या प्रॉब्लम है। ऐसे ही उस टाइम पीरियड पे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लेट 90s में अंग्रेज़ों के द्वारा चलाया गया, जिसका मेन काम था टैक्स इकट्ठा करना। अब टैक्स ये लोग कैसे इकट्ठा करते थे, इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल है। मान लो कि कहीं इलाके के अंदर क्या किया गया, एक बारात घर बनवाया गया म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा। तो जितने लोकल लोग होते थे अगर वो लोग बारात घर बुक करते हैं यहाँ पे, तो उन्हें कुछ पैसा देना पड़ता है, क्योंकि बारात घर के अंदर सफाई है, लाइटिंग है, स्पेस है, ये सारी चीज़ें उस नॉर्मल पर्सन को बहुत आसानी से कम दामों के अंदर मिल जाती है और उसे कहीं और टेंट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस बिहाफ पे ये व्यक्ति क्या कहते हैं, सिंपल सा है, नगर पालिका म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को पैसे देगा और वो उसको कुछ दिन, एक दिन के लिए, कुछ दिन के लिए वो व्यवस्था को अपने कामकाज के लिए इस्तेमाल करने के लिए दे सकती है। ठीक है, तो ये एक तरीका था, इस तरीके से नगर निगम जो है वो कोशिश करता था चीज़ों को रखने के लिए। रिकॉर्ड्स हर चीज़ के लिए ज़रूरी होते थे। बदलते नगर निगम की गतिविधियों को रिकॉर्ड्स को बनाने के लिए एक नया सेट ऑफ रूल रखा गया, जिसे नगर निगम के रिकॉर्ड रूम में ही रखा जाता था। हर चीज़ ऑन रिकॉर्ड होती थी, कुछ हवा में कोई बात नहीं होती थी। ठीक है, अब जैसे जैसे शहर जो है बढ़ते जा रहे थे तो वहाँ पे सेंसस रिकॉर्ड यानी कि जनगणना रिकॉर्ड भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। शहर के फैलाव बहुत तेज़ी से हो रहे थे 19वीं सेंचुरी के मिड में अगर देखा जाए तो, बहुत से इलाकों के अंदर जनगणना जो है वो करी गई। पहली बार जनगणना जो है 1882 में करी गई थी, ओ 1872 में करी गई थी पहली अखिल भारतीय जनगणना, इसका प्रयास किया गया था। और वो भी किसने करा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, वो अंग्रेज़ों ने ही करा, क्योंकि उस टाइम पीरियड पे ये सारा सिस्टम उन्होंने ही चलाया था। और अब क्या कहते हैं, 1881 से 1881 से जनगणना जो है हर 10 साल के अंदर होती है। भारत की जनगणना लास्ट 2011 में हुई थी, अब 2021 के अंदर जनगणना के आंकड़े आएंगे प्रॉपर बेसिस पे, जो बहुत ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद था। जनगणना जो है एक नियमित व्यवस्था को दर्शाती है, बताती है कि वहाँ पे कितनी जनसंख्या पढ़ी लिखी है, कितनी अनपढ़ है, और इवन जनसंख्या ही नहीं बल्कि बहुत सारी चीज़ों को जनगणना जो है वो बताने की कोशिश करती है। बाद में जनगणना का इतना फ़ायदा हुआ कि जनगणना जो है एक नियमित रूप से विशेषता के रूप में आई, और पता चला कि उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि जनगणना करना हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। भारत में शहरीकरण का अध्ययन करने के लिए जनगणना के आंकड़े निकाले गए थे, और जब रिपोर्ट्स को देखा गया तो हमारे पास ऐतिहासिक परिवर्तन के लिए उपलब्ध जानकारी जो थी उस समय पर, कितनी बीमारियां थी, कितने लोग मर गए थे, कितने की उम्र क्या थी, कितने मेंस से, कितने कौन से जाति में थे, कौन किस प्रकार का काम करते थे, ये सब रिकॉर्ड्स उस समय पर जनगणना हमें आसानी से बता दिया करती थी।
तो भारत में जनगणना जो है शहरीकरण के अध्ययन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट डाटा, अमूल्य स्रोत है और इतिहासकार जो है इन आंकड़े को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं। अगर ये चीज़ नहीं होती तो शायद से हमें इन सभी आंकड़ों के बारे में जो जानकारी आज मिलती है उन्हें हम नहीं देख सकते थे। तो मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको बोलूँ तो जनगणना जो है वो आबादी के बारे में, सामाजिक जानकारी के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करती है। अब देखिए, मैपिंग जो होती थी, मैपिंग में वो प्लेसेस बताई जाती थी, कहाँ पे कितने सड़क है, कहाँ पे कितने नहर है, कहाँ पे कौन सा मंदिर है, कहाँ पे कौन सा मस्जिद है, ये सब बताया जाता था मैपिंग के अंदर। तो उस समय मैप क्या छुपाता था और क्या दिखाने की कोशिश करता था? तो सर्वेक्षण के तरीके जो है सटीक वैज्ञानिकों, उपकरणों और ब्रिटिश शाही ज़रूरतों के विकास के मतलब के अनुसार बनाए जाते थे, लेकिन नक्शों को बहुत सावधानी से ही तैयार किया जाता था। तो सर्वेक्षण ऑफ इंडिया जो है, इसकी स्थापना तो इस टाइम पे हो गई थी, लेकिन 1881 के अंदर सर्वेक्षण करना स्टार्ट हुआ था प्रॉपर बेस पे। और जब नक्शे तैयार हुए तो हमें पूरी जानकारी जो है पूरी तरीके से मिल गई थी, जो भविष्य के होने वाली जो आकांक्षाएँ थी उनको भी हम देख सकते थे। लेकिन क्या चीज़ें जो नक्शे हमें बताते नहीं थे, जो नक्शे हमें बताते नहीं थे, वो बताते नहीं थे हमें गरीबों की बस्तियों के बारे में, वो कभी उन्हें चिन्हित नहीं करते थे, क्योंकि इससे उनकी महत्वहीनता जो है वो दिखाई देती थी, अनइम्पॉर्टेंस रूलिंग दिखाई देती थी, इसलिए वो इन चीज़ों को अपने नक्शों के अंदर दिखाने की कोशिश ही नहीं करते थे। इसका परिणाम ये हुआ कि मानचित्र जो है अन्य स्थान को बताने के लिए और विकास की जो योजनाएं हैं वो उपलब्ध कराने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट मानी जाती है। जब ये योजनाएं शुरू करी जाती थी तो यहाँ पे गरीबों को बेदखल किया जाता था। मतलब मेन सिस्टम बस यही है कि यहाँ पर कैसे उस टाइम पीरियड पे क्या क्या बदलाव आए, क्या क्या किनको टैक्स देना है, किनको टैक्स नहीं देना है, कितने लोग मर रहे हैं, क्या हो रहा है, ये सब सिस्टम उस समय पर इस वजह से हुआ। अब अगर बदलाव के रुझान अगर हम देखें कि जनगणना जो है सावधानी से अध्ययन तो करी गई, लगभग 18 शताब्दी के बाद में हमारे देश के अंदर शहरीकरण का विस्तार जो है बहुत तेज़ी से हुआ, और 19वीं सेंचुरी और 20वीं सेंचुरी, 1800 के अंदर विस्तार तो हुआ लेकिन 19 और 20वीं सेंचुरी की अगर हम बात करें तो इस टाइम पीरियड पे तो बहुत ज़्यादा उछाल मारने लग गई अर्थव्यवस्था। इन 2 दशकों के अंदर जो जनसंख्या वो इतनी तेज़ी से बढ़ी जिसका समझ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन उस समय पे बहुत ज़्यादा अपरिवर्तनशीलता देखी गई थी। विकास जो है छोटे कस्बों से हटकर देखा गया कि बड़े बड़े कस्बों तक जा रहा है। जैसे छोटे शहर में जो आर्थिक विकास होते थे वो बहुत कम हो गए, लेकिन बाद में ये जो कोलकाता, बम्बई और मद्रास जो इलाके थे अंग्रेज़ों के, उसके अंदर बहुत ज़्यादा बहुत तेज़ी से विकास हुआ और शहर में बदलते चले जा रहे थे वो सारे इलाके। और इवन 1853 के अंदर रेलवे की भी शुरुआत कर दी गई थी मुंबई के अंदर। ठाणे आपको याद होगा, इस बच्चे ने देखा होगा, सबसे पहले रेलवे का निर्माण मुंबई में करा गया था। और जहाँ पे रेलवे का निर्माण हो जाता है तो वहाँ पे आप सभी को अच्छी तरीके से पता है कि ट्रांसपोर्टेशन जो सिस्टम है वो कितना ज़्यादा अच्छी तरीके से हो जाएगा। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे शहरों के अंदर जब ये चीज़ें आ गई तो उसके किस्मत में बदलाव आ जाना, जैसा एग्जाम्पल देख सकते हैं हम। आर्थिक गतिविधियां जो धीरे धीरे परंपरा से शहरों की तरफ बढ़ रही थी, अब वो पुराने मार्गों, नदियों के किनारे भी स्थित होने लग गई, क्योंकि अब यहाँ पे रेलवे का भी निर्माण हो चुका है। और धीरे धीरे करके अब कच्चा माल जो है वो शहरों तक ला के फिर रेलवे प्लेटफॉर्म पे पहुँचा के दूसरे और शहरों तक पहुँचाया जा सकता था, वो भी बहुत ज़्यादा कम समय में। हर रेलवे स्टेशन कच्चे माल और महत्वपूर्ण वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था, और हर सामान को बेचने और रखने के लिए एक डिपो बनाया जाता था, है ना। और जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट शहर जो है जमालपुर है, वाटर लेयर है, एंड बरेली जो है, यहाँ पे जो नगर है वो शहरी नगर के अस्तित्व में आए, व्यापारिक केंद्र बने। सो दिस इज़ हाउ हम देखते हैं यहाँ पर कि उस टाइम पीरियड पे कैसे यहाँ पर बदलाव आए पूरे तरीके से, और जनगणना से हमें कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ, जिसकी वजह से हम लोगों ने जो मद्रास है, उसके बाद जो कोलकाता है, मुंबई है, इन शहरों को हमने अंग्रेज़ों ने हमने हमने कह रहा हूँ मैं अंग्रेज़ों ने डेवलप करा। सो गाइस, दिस इज़ इट इन दिस पार्ट, और आई होप आपने इससे पहले हमारे और पार्ट देखे होंगे, और हम जल्द ही आप सभी के लिए पॉलिटिकल की भी क्लास जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखते हैं, उसके ऊपर भी हमारा काम चल रहा है, थोड़ी सी इशू चल रहे हैं,
जैसे ही वो सॉल्व होंगे तो आप पॉलिटिकल के भी चैप्टर्स देखना स्टार्ट कर देंगे। सो गाइस दिस इट इन दिस पार्ट, और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में, वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।